अब ठीक है? हाँ ठीक है। कितना ठीक है? जो अपनी मनोकामना मांगा पा वह पूरी होगा। पूरी होगी, मानती इस चीज। हफ्ते में दो दिन दरबार लगता है, मंगल को सुबह 8 से 4, शनि को सुबह 8 बजे से। मंगलवार को विशेष बुज्जा या पुच्छा करी जाती है, किसी के ऊपर ओपरी पराय का संकट हो, किरे धरे का असर। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लंबा स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल लोक प्रसार में। और फिलहाल खड़ा हूँ शनि शक्ति धाम में, और शनि शक्ति धाम में 3 झाड़े और 1 अर्जी का नियम यहाँ पे महंत जी ने बताया था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, खुद महंत जी बता रहे थे। तो 3 झाड़े कैसे लगते हैं, झाड़े आपने देख लिए होंगे। आज पूर्णिमा का दिन है और जो महाअर्जी लगती है पूर्णिमा के दिन, वो अर्जी दिखाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कौन सी अर्जी होती है और कितनी भीड़ यहाँ पे होती है, इस धाम पे आने से लोगों को कितना फायदा होता है या नहीं होता है, ये सारी बातें दिखाने के लिए आज पूर्णिमा के दिन हम शनि शक्ति धाम में एक बार फिर से पहुँचे हैं। और ये लोग जितने बैठे कैमरा में सिखवा कर दिखा दें, काफ़ी भीड़ यहाँ पे पहुँची है। 1 अर्जी फिलहाल 8 बजे की जो लग चुकी है, 10 बजे की अर्जी लगने वाली है, और उसके बाद 2 बजे, 12 बजे और 2 बजे के बाद भी जो है अर्जियां लगेंगी। फिलहाल ये माताएं बहने बैठी हैं, इनसे मैं बातचीत करवाता हूँ क्या करके कहाँ से पहुँचे, कितनी कितनी दूर से आए हैं और लोगों को कितना फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? सरसा से। सरसा से, हाँ जी। कितनी बार आ चुके? ये 5वीं 6ठी बार ही है। 5वीं 6ठी बार है। हाँ जी। क्या समस्या लेके आए थे? शरीर में दिक्कत रहती है। हाँ जी, शरीर में दिक्कत है। शरीर में, हाँ जी। तो अभी 4-5 झाड़े आपने लगवा लिए, कुछ आराम हुआ है? थोड़ा बहुत आसार है। थोड़ा बहुत, हाँ जी। और पूर्णिमा की जो अर्जी लगती है वो कितनी बार आपने लगवाई है? हाँ जी, आप जी ये दूसरी बार है। दूसरी बार है, हाँ जी। तो आपको लगता है यहाँ पे आराम होता है कुछ लोगों को? देखो परमात्मा करेगा भले ही जी। आपके आसपास के कोई लोग ठीक हुए? नहीं जी, मैं पूछा नहीं किसी को। किसे पूछा नहीं? हाँ जी। कितनी बार आ चुके हैं? 5-6 बार। 5-6 बार, हाँ। क्या समस्या आपको? आपको घर में ही मेरे बहू की हरदा कौन रहती? हाँ जी, मेरे बहू की हरदा कौन रहती? अब ठीक है? हाँ ठीक है। कितना ठीक है? एन फर्क है। फर्क है, हाँ। कितना मतलब 20-50-60? पूरा फर्क है मान लियो। हाँ, आधे पास सोई आया करती, कौन नहीं आवे। अब बिल्कुल ठीक है, हाँ। कोई दवाई पानी लिए? ना, दवाई पानी कौन ली, दवाई ले ले आप गया पहली छिक लिए, मतलब दवाई ले ले। हाँ हाँ, दवाई ले ले से, मतलब हाँ, कोई बीमारी कौन नहीं आंदी। इस धाम के बारे में किसने बताया? इस बारे में रिश्तेदार है, इसी सवाल में बतायो। के बोले? बे बोले बीत लिया उसने महाराज के मंदिर पर बीत फायदो आवे। आपका तो मतलब चमत्कार हो गया, बिल्कुल सही। हाँ सही है, सही हो गया। हाँ। तो जो लोग और देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको देखा, क्या कहना चाहोगे इस धाम के बारे में? भाई फायदो आवे, हम सब गए। फायदा हो? हाँ हाँ। कोई झूठ तो नहीं है? ना ना, कोई झूठ नहीं। कोई धोखेबाजी कोई इस टाइप की? कोई धोखेबाजी कोई, ज्यादा पैसे लेना? ना ना, पैसा ले ही कौन बापड़ा, मतलब बिल्कुल सच्चा धाम। हाँ सच्चा धाम जी। देखिए माता जी थी भाई, और इनको ये कह रहे कि इनके काफी आराम था, इनके जो बहू है उनको भी आराम है और बिल्कुल सही हो गए हैं। दवाई खा के छिक चुके थे, उसके बाद यहाँ पे आए थे, किसी रिश्तेदार ने बताया। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं भाई इस वीडियो को शेयर किया करो, ताकि आपके थ्रू भी किसी का भला हो जाए। ये वीडियो आप शेयर करोगे, किसी ऐसे आदमी के पास जाए जिसको वाकई में मजबूरी है, वाकई में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें आप अगर बताओगे उनको, तो उनको भी कोई फायदा हो जाए, तो वो भी एक पुण्य का काम है। और बातें करवाते हैं आप। हाँ जी, दहीगढ़ से। कितनी बार आ चुके? मैं आ गया 15 बार। 15 बार, ये बात समस्या का समाधान कौन है यार? ना अपन अपनी खुशी में आओ। खुशी आओ, मतलब वैसे आके यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है? बिल्कुल। कैसा लगता था हमें? बढ़िया लगता है। है कुछ चमत्कार कोई शक्ति ऐसी जो मनोकामना मांगा पा वो पूरी करे? हाँ जी, जो अपनी मनोकामना मांगा पा वो पूरी होगा। पूरी होगी, मानती उस चीज़। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए आप? सोनीपत से। सोनीपत से, हाँ जी। कितनी बार आ चुके पहले? 3 बार। 3 बार। है कुछ आराम? हाँ, काफी आराम। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। देखिए भाई, सोनीपत से आए, काफ़ी दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कोई बिहार से, पिछली बार हम आए तो बिहार से भी लोग पहुंचे हुए थे, राजस्थान से काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, और पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, हिमाचल से भी काफ़ी लोग यहां पे आते हैं। दोस्तों, फिलहाल बैठा हूं शनि शक्ति धाम में, और मेरे साथ में बैठे हैं शनि शक्ति धाम के महंत जी, श्री जगदीप जी मेरे साथ में बैठे हैं। और इस धाम के नियमों के बारे में, इस धाम के विधि विधान के बारे में, पूजा अर्चना के बारे में, और क्या यहाँ पे किस प्रकार से धोक पूजा अर्चना की जाती है, किस प्रकार से झाड़ा लगाया जाता है और किस किस दिन लगाया जाता है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा जगदीप जी के पास। मैं जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। देखिए, शनि शक्ति धाम सीसेवाल की स्थापना 2010 को हुई थी जी। इस धाम को बने हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं। यहाँ शनि महाराज साक्षात विराजमान है, उन्हीं की कृपा से सभी लोगों के कार्य हल होते हैं। देखिए, इस धाम में 2 दिन दरबार लगता है, मंगलवार और शनिवार।
मंगलवार को विशेष बुज्जा या पुच्छा करी जाती है, किसी के ऊपर ओपरी पराय का संकट हो, किरे धरे का असर हो, या कोई भी कार्य व्यापार न चलता हो, संतान न होती हो, या कोई भी काम आप कहें में असफलता मिलती है उससे संबंधित पूछने के लिए आप मंगलवार के दिन आ सकते हैं। मंगलवार को दरबार लगता है, वो सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लगता है, उसमें आपको बुज्जा करी जाती है। दूसरा, शनिवार के दिन यहाँ जाड़ा लगाया जाता है, जो जाड़ा है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगता है। हफ्ते में 2 दिन दरबार लगता है, मंगल को सुबह 8 से 4, शनि को सुबह 8 बजे से 7 बजे तक। और एक यहाँ पूर्णमासी का नियम है, 3 झाड़े और एक अर्जी का नियम है। जो अर्जी लगाई जाती है वो हर पूर्णिमा को लगाई जाती है, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। हर पूर्णिमा को अर्जी लगती है, सुबह 8 बजे लगती है, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जो लास्ट प्रोग्राम होता है पूर्णिमा का वो लास्ट शाम को 4 बजे तक होता है। तो यानी कि दो शनिवार मंगलवार का नियम है और एक अर्जी का नियम है जो कि उस दिन लगाई जाती है। और काफ़ी दूर से लोग आते हैं, कई बार वो सामान अपना साथ में नहीं लेके आ सकते हैं, जैसे शनि के जो चढ़ावा होता है, जैसे उड़द हो गए, काली तिल हो गए, तेल हो गए, ऐसा कुछ तो यहाँ पे ऐसा प्रावधान है कि आसपास में यहीं से अरेंज हो जाए ऐसा? हाँ जी, यहाँ मंदिर के बाहर एक दुकान है, देखिए अगर जो कोई कुछ चढ़ाना चाहे, तिल है, उड़द है, तेल है, नारियल है, जो भी चीज़ चढ़ाना चाहे तो वह दुकान से लेके चढ़ा सकता है। देखिए जी, और जैसे किसी प्रकार का आपने बताया कि किया कराया हो, तंत्र मंत्र दोष हो या बंधन हो इस प्रकार का, तो उसके लिए सिर्फ पूछा में बताते हैं या उसका विधान भी, उसके जो उपचार है वो भी साथ में किया जाता है? वो पूजा के दिन पूछा जाता है। देखिए हर मंगलवार को सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, बुज्जा में बताया जाता है भी क्या दिक्कत आ रही, किस वजह से कार्य असफल हो रहे हैं, ये उस दिन बताया, उसका समाधान भी साथ के साथ। हाँ जी, उसके दिन समाधान भी बताया जाता है भी ये कार्य करिए ताकि आपका कार्य पूरा हो सके। जी, एक अपने मुख से यहाँ का थोड़ा एड्रेस और बता दीजिए कि किधर से आने वाले यात्री थोड़ा अपना। यहाँ पर अगर जो कोई हिसार से आना चाहता है तो हिसार बस स्टैंड पे बूथ नंबर 12 पे जाए, हिसार बस स्टैंड बूथ नंबर 12 से काबरेल गाँव की बस मिलती है, काबरेल जो कि हिसार से 25 किलोमीटर दूर है, हिसार बूथ नंबर 12 से बस लेनी पड़ती है उसको, जो कि काबरेल गांव उतारती है। काबरेल बस स्टैंड पे उतर के आप किससे पूछ सकते हैं कि मैंने शनि धाम जाना है, काबरेल बस स्टैंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर ये धाम स्थापित है। जी, काफ़ी दूर से भी यात्री और भी आते हैं, जैसे दूसरे स्टेट से आते हैं, उनके लिए रहने का कुछ यहाँ पे प्रबंध वगैरह जो पहले दिन पहुँच जाए, क्योंकि CMD पे पहुँच नहीं सकते? देखिए ज़्यादा लंबे दिनों की तो व्यवस्था है नहीं, 1-2 दिन की व्यवस्था हो जाती है। अगर जो आप जैसे शनिवार को लोग आने तो शुक्रवार की शाम को आ सकते हैं, पूर्णिमा के दिन आने तो 1 दिन पहले आ सकते हैं, या 1-2 दिन से या 3 दिन लास्ट है, इससे ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है, 3 दिन तक रुक सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे महेंद्र जगदीप जी हमारे साथ में, और आपको जानकारी दी कि इस धाम के नियमों के बारे में, विधि विधान के बारे में। मंगलवार के दिन यहाँ पे पूछा की जाती है, शनिवार के दिन यहाँ पे झाड़ा लगाया जाता है, और पूर्णमासी के दिन महीने की जो है एक दिन जो होता है उसमें यहाँ पे विशेष अर्जी लगाई जाती है, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, या किसी भी प्रकार की हरी बीमारी हो, वो सब प्रकार यहाँ से एक झाड़े से ही दूर हो जाती है, और अर्जी लगाने से यहाँ पे सभी प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। मैन जी ने खुद अपने श्रीमुख से यहाँ पे कहा है, और यहाँ पे आने वालों के लिए कोई समस्या है तो रहने की समस्या है तो भी 1-2 दिन के लिए मैन जी ने खुद कहा कि यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। आने के लिए कहाँ से आना है, कौन से बूथ से आना, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। आपके कमेंट बॉक्स में लगभग हर तीसरा चौथा आदमी पूछता है कि रास्ता बताएं, तो आपकी समस्या का समाधान मेरे हिसाब से हो गया। सभी दोस्तों को इस लोक प्रसार चैनल के माध्यम से मैं करता हूँ नमस्कार, और देखते रहें लोक प्रसार।